सीमित कर दिया गया। चौथाई में तो दुनिया है और तीन हिस्से अमृत में है। दुनिया में तो कलह है, पीड़ा है, संताप है, यहां तो चैन नहीं। तीन हिस्सा जो अमृत में है उसका पता ही नहीं है। तो इस सिद्धांत के पढ़ने गुनने से और प्रवचन देने से क्या मतलब होगा? कागज में लिखा है, बांच दो, समाधान कभी नहीं। जो हमारे सामने है ब्रह्म का चतुर्थ अंश, वो तो ये जगत है और ये दुख से भरा है, और उसके जो तीन पाद अमृत में स्थित है उसका पता नहीं है। तो इस सिद्धांत से मतलब क्या है? कहते रहो, सुनते रहो, जीवन बीत जाएगा, रहोगे वैसे को वैसे। उसने, उस बूढ़े ने कहा, महाराज तब कहीं अमृत है कि नहीं? मैंने कहा, आप खुद अमृत हैं तो कोई एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा, अहंकार कामना छोड़े तब अनुभव होगा। तो गंभीर हो गया। उसने कहा, महाराज समझ में आ रहा है, अब ये करना पड़ेगा। हम कहे, हाँ तो आप चाहते थे कि जहाँ तीन हिस्सा ब्रह्म है वहाँ पहुँच जाए, बस डूब जाए आनंद में, टिकट कटा लें, पहुँच जाए वहाँ। जहाँ आप हो वहीं ब्रह्म है, आप खुद ब्रह्म हैं। अब आप खुद अमृत हैं, कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। साहब कहते, कामना त्याग दो, अमृत हो जाओ। जीव तो मरता नहीं, वो तो अमर है, लेकिन कामना के वश है तो पीड़ित है। कामना का त्याग करें, अमृत हो जाए। अमृत है ही, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर, आप सरीखे जो मिले ताहे पियावो घोर। ये बीजक की साखी है। साहब कहते, अमृत की पुड़िया मैंने विवरण से खोल करके रख दिया है, अब आपके सरीखा कोई और मिले सतपात्र तो घोल करके उसको भी पिला दो। ये अमृत की पुड़िया है। स्वरूप बोध का विवरण और उसके लिए पवित्र रहनी, ये अमृत की पुड़िया है। स्वरूप बोध, स्वरूप बोध, स्व खुद, रूप पदार्थ, बोध ज्ञान, खुद के पदार्थ का ज्ञान, जो आपका पदार्थ है। आपका पदार्थ देह नहीं है, देह क्षणिक है। देह नहीं है तो और गिनाने की जरूरत नहीं, घर द्वार परिवार बाल बच्चे ये सब आपके नहीं है, ये लह समझना। आपका पदार्थ अपना आपा है, आपका चैतन्य तत्व है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। मैं हूँ, मैं खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, जो मैं का केंद्र है उसको पहचाने। जीवन भर हम वृत्त में घूमते हैं, केंद्र में नहीं आते। केंद्र और वृत्त पर ध्यान दीजिए। तेली का कोल्हू जो देखे हों, अब नए जमाने में तो सब उड़ गया, तेली का कोल्हू घर में किसी एक कमरे में वो रखता था और बैल को, एक बैल को नाद देता था और उसके आंख पर ढक्कन लगा देता था, दोनों तरफ इधर उधर न देखे, हाँक देता था। अभ्यास उसका ऐसा हो जाता था, बिना हाँके वो चलता रहता था, दिन भर चलता रहे, कहीं जाना तो है ना, घूमना है। वो कोल्हू के पास कभी नहीं पहुंचता था, घूमता था दिन भर और रात में भी, जब तक वो हाँके तब तक घूमे, लेकिन कोल्हू के पास नहीं पहुंचता था। वृत्ति है घेरा, केंद्र है
मूल, वृत्त परिधि, चक्कर राउंड, चारों तरफ का चक्कर वो वृत्त है, परिधि है, और केंद्र कुलु, आत्मा केंद्र है, और चित्त का जितना व्यापार है परिधि, जो सोचना है सब परिधि है, घेरा है, वृत्त है, केंद्र आप स्वयं हैं। सुबह से शाम तक परिधि में घूमते रहते हैं, केंद्र में नहीं आते। अमृत कैसे मिले? मन में घूमते रहते हैं, मन में घूमते रहते हैं, मन परिधि है। जब केंद्र में आवे, अपने आप में आवे, ये ध्यानाभ्यास केंद्र में आने की प्रक्रिया है। परिधि छोड़ दो, चक्कर छोड़ दो, मन का भ्रमना छोड़ दो, जहां छुटे केंद्र में आ गए, अपने आप में आ गए। केंद्र आप केंद्र हैं। राम ब्रह्म खुदा गाढ़ परम तत्व, इसी ढंग के और जितने भी शब्द बना लीजिए या बने हों, उनकी लिस्ट सामने रख लीजिए, वो सब का एक ही अर्थ है, आपका अस्तित्व। और यह बोध कोई नया नहीं है, यह बोध पुराना है, सदा से बोधवान इस बात को कहते रहे हैं। वेद दुनिया के प्राचीनतम शास्त्र हैं, भारत के तो है ही हैं, दुनिया के। उसमें कर्मकांड ज्यादा है। उस जमाने में देवताओं को खुश करने के लिए, काल्पनिक देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनको खुश करने के लिए प्रार्थनाएं, हवन इत्यादि हैं, लेकिन उतने भर नहीं है। उपहवरे गिरीडाम संगते चा नदी नाम धिया विप्रो अजायत, ऋग्वेद में कहा गया है। उपहवरे गिरीडाम, पर्वतों के निकट, संगते चा नदी नाम, नदियों के संगम के पास, धिया विप्रो अजायत। विप्र धी बुद्धि पैदा करते हैं, अर्थ है कि साधक जो द्विज है, द्विज नाम दोबारा जन्मा हुआ, संस्कारों का जन्म जिसका हो गया है, गुरु शरण में गया, संस्कारित हो गया, निर्मल हो गया, पात्र हो गया, ऐसा द्विज धिया जाए बुद्धि पैदा करता है, अर्थ है बुद्धि को शुद्ध करता है, और लाक्षणिक अर्थ है ध्यान करता है। और जिसको हम खोजते हैं वो खुद है, ये बात भी वेदों में आई है, आत्मज्ञान का विषय भी है। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमस अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार महावाक्य उपनिषदों के हैं। सब उपनिषद वेद से जुड़े हैं। मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। वस्तुतः अध्यात्म की पुस्तकें जो दुनिया में प्राचीनतम हैं वो उपनिषदें हैं। जिस काल में उपनिषदों का चिंतन हुआ है, उस काल में इस भूमंडल पर, भारत के बाहर, कहीं वैसी बात नहीं सुनाई देती है, दिखाई देती है। और धर्मशास्त्र पुराने हैं विदेश के, नीत की बातें अच्छी बातें हैं, ज्यादातर एक कबीला का ईश्वर मान करके उससे प्रार्थना बहुत है। पुरानी बाइबिल में आप देखिए,
तो यहूदियों का ईश्वर यहोवा जो उसको विपत्ति से निकालता है उसकी कल्पना है, परोक्ष ईश्वर की कल्पना है। और वह भी ईश्वर कैसे है, जैसे कोई एक कबीला का नेता हो। आत्मज्ञान की गहराई में दिखाई नहीं देता है। उपनिषद काल में ईसा से भी 500-700-800 वर्ष पूर्व उपनिषदों का जो चिंतन हुआ है वैसा चिंतन दुनिया में कहीं नहीं। ये भारतवर्ष की विशेषता है, सब उपनिषदें वेदों से जुड़ी हैं। उपनिषदों में परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म दोनों की चर्चा है। पहले तो हमें समझना चाहिए सत्ता, पूरी सत्ता को हम तीन हिस्से में बांटें, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीत मान, परोक्ष है मन की अवधारणाएं और अपरोक्ष है स्वयं। इंद्रियों से प्रतीत मान जितना है प्रत्यक्ष है, उसमें मन का सहयोग है। मन का सहयोग ना हो तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। हमारा मन कहीं है, सामने से कोई आदमी निकल गया, यह तो आभास होता है कोई गया है, लेकिन जब कोई पूछता है तो हम कहते हैं हाँ ख्याल नहीं किया, कौन था ख्याल नहीं किया। बात सुनते सुनते अगर हमारा मन अलग चला गया तो हम सुन नहीं पाते। तो इंद्रियों के ज्ञान में मन का सहयोग हुए बिना इंद्रियां बेकार हैं। मन सहित इंद्रियों द्वारा प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है। आँख नाक कान जीभ चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और इनका सहयोग मन करता है, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयों वाला जगत हमारे सामने उपस्थित होता है। इंद्रियों के सहित, मन के सहित इंद्रियों से प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में सब उलझे, आदमी जन्मता है बढ़ता है, पहले माँ को पहचानता है, फिर माँ पिता को बताती, फिर घर द्वार सब परिचित होता जाता है और बढ़ता, भोला भाला रहता है और बढ़ता है तो कुछ चतुर होने लगता है, कौमार जा जाता है, दुनिया का रंग लगने लगता है, जवान हो जाता है, काफ़ी विकृतियाँ उसके मन में आ जाती हैं, संसार सजाता है, उलझता है, उलझते उलझते बूढ़ा जाता है और बूढ़ा करके मर जाता है। केवल प्रत्यक्ष में वो डूबा रहता है हर समय, इंद्रियों से प्रतीतमान जगत में रमा करता है, राग करता है, द्वेष करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, इन सारे संस्कारों का जखीरा बटोर कर चित्त में उसी में उलझता रहता है और मर जाता है। जीवन में जो करना चाहिए वो कर नहीं पाता है। कुछ लोग इस प्रत्यक्ष से घबराते हैं और देखते हैं प्रत्यक्ष में पूरा समाधान नहीं है, धन है, परिवार है, ऐश्वर्य है, पद है, सब कुछ है, लेकिन मन पीड़ित है, असंतोष चित्त में भरा है। इसलिए ये सोच करके कुछ जीव ये प्रत्यक्ष से घबरा जाते हैं, विराग हो जाता है। अभी हमारे पत्र पास एक पत्र आया दूर से,
वो मेरी बातों को सुना है, छत्तीसगढ़ में जो ध्यान शिविर लगता उसमें ध्यान में आया है और बहुत व्याकुल होके लिखा है कि धीरे धीरे मेरा शरीर नहीं रहेगा, जो मिला है वो छूटेगा, बना है वो बिगड़ेगा, मैं व्याकुल हूँ, बच्चे हैं, लड़की लड़के, धीरे धीरे शादी के योग हो रहे हैं, पत्नी अध्यापिका है, मैं व्यापारी हूँ, कमी कुछ नहीं है, खूब संपन्नता है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये सब तो रहेगा नहीं, आजकल में ख़त्म हो जाएगा, मुझे शरण दीजिए, मैं क्या करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। अब लड़की लड़के उनका विवाह भी करना है, ये भी सामने है, पत्नी समझदार है, सब ठीक है, बहुत व्याकुल होके लिखा। अब जिस जंजाल को बनाया है उसको निभाना उसका कर्तव्य है, लड़की लड़का का शादी बाकी है और हमारे पास भाग आए, ठीक नहीं, वहीं वैराग साधे, लड़की लड़का का शादी करे, निभावे, जीवन रहे, वही भी लिखा है कि शादी करते करते मैं ही मर जाऊं तो क्या होगा। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रत्यक्ष से घबराते हैं, यथार्थ आधार न होने से वो परोक्ष में लगते हैं, कोई ईश्वर है लोक लोकांतर में, साकेत लोक में, गोलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, सतलोक में, कोई लोक है वहां पर ब्रह्म है, ईश्वर है। रीवा नरेश ने बीजक की टीका में यही लिखा है। रीवा एक बहुत बड़ा राज था और उसका नरेश होकर आज से 150 वर्ष पूर्व उसने पूरे बीजक की टीका लिखी है विस्तार से, उसको उसका धैर्य कितना प्रशंसनीय है। रघुनाथ में सब कुछ लगाया है और रघुनाथ को अचिंत माना है, सगुण निर्गुण से परे माना है, शब्द जाल है उसका। और रघुनाथ जी साकेत लोक में हैं, अयोध्या में है, वो अयोध्या ये वाला नहीं, वो ऊपर है, और वहीं से जीवों को सुख देने के लिए खींचना चाहते हैं, जब वहाँ पहुँच जाए तो आनंद कंद हो जाए, ये उसका सिद्धांत है, बीजक से बिल्कुल भिन्न। लेकिन अब कबीर में उनको श्रद्धा थी, बघेल वंश, पूरा बघेल वंश कबीर का भक्त रहा है। अब जितना जो समझ पाया है वो किया है, लेकिन कबीर और रघुनाथ ये दो ही उसकी दृष्टि में है। तो बारम्बार वो लिखता है कि जीवों को रघुनाथ अपने धाम में बुला लेना चाहते, जहाँ कोई दुख नहीं, परम आनंद है। अब ये सब वाणी जब कोई सुनेगा पढ़ेगा तो भाई कहाँ है वो रघुनाथ का धाम, कोई मिलेगा कहेंगे जपो मनन करो फिर मरने के बाद मिलेगा, तो एक सरणी हुई, एक शाखा हुई, दूसरे तीसरे चौथे दसवीं बीसवीं सबकी अलग अलग शाखा है, जन्नत है, स्वर्ग है, न मालूम क्या क्या है, देवी देवता हैं कहीं, उनको खुश करो, काम करवा लो, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा वो मिल जाए, लिपट जाओ उससे, कब दर्शन देगा। इस भावना में भावाकार, और वो देहधारी भी होता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आया है, विष्णु शिव के रूप में रहा है, ब्रह्मा की इज्जत तो आजकल नहीं है, है वो भी वही स्वरूप, लेकिन ब्रह्मा की उपासना कोई नहीं करता, शिव और विष्णु की करते। अब इनसे मिलने की चेष्टा है, मैं स्वयं इनके लिए लालायित था, रोता था अकेले में, इनके ध्यान चिंतन में डूबा रहता था, सन 50 के पहले,
सन 1950 के पहले। तो परोक्ष में आदमी कुछ खोजता, परोक्ष क्या है? मन की अवधारणा। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियों से प्रतीतमान जगत। और परोक्ष मन की अवधारणा। मन की कल्पनाओं में तमाम देवताओं का सृजन हुआ है। मनुष्य का मस्तिष्क देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है। सारे देवता मनुष्य के मस्तिष्क से बनते हैं और लुप्त होते हैं, नए नए बनते हैं, बिगड़ते हैं। वैदिक युग के देवता आजकल क्या हजारों वर्षों से शून्य हैं। आज की जो देवता हैं वो 2000 वर्ष के अंदर के देवता हैं। 2000 वर्ष के पूर्व के सब देवता करीब करीब निरस्त हैं। वेदों का परम देवता इंद्र है। इंद्र को आज कोई पूछने वाला नहीं हिंदू समाज में। इंद्र की महिमा में जो वेद में लिखा गया है, सगुण उपासकों ने अपने इष्टों के विषय में उसका अनुवाद कर डाला है। तो देवता और ईश्वर परोक्ष रूप में है, मन की अवधारणा में है, ऐसा मानकर अपने अपने ढंग से लोग भजते हैं, जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ आनंद आता है। मेरा अपना खुद का अनुभव है। 14 बरस की उम्र से मैं विधिवत लगा था। उसके पहले भी जो बन सकता था करता था, जप वप, लेकिन 14 बरस की उम्र से मैं विधिवत लग गया था। और 14, 15, 16, 17, 18 इतने दिनों तक लगा था। 17-18 के बीच में मुझे पारक सिद्धांत, सदगुरु, संत मिले। 2-3 महीना मुझे लगा, ज़्यादा नहीं। अध्ययन मनन किया, सब भ्रम कट गया। लेकिन उसका मुझे अनुभव है, परोक्ष की उपासना का आनंद आता था, संतोष थोड़ा मिलता था, दुनिया की झंझट से रहित। महाराज राम का ध्यान करता था, कृष्ण का करता था, शिव का करता था, विष्णु का करता था, चार का करता था, तन्मय हो जाता था। दुनिया भूल जाए, आनंदमय हो जाओ, लेकिन भ्रम नहीं कटता था, दुख दुगी लगी रहती थी। ये सब देहधारी हैं, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, तो हम सोचते हैं, समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा आनंद आता था। कभी कभी निराकार ब्रह्म पर सोचता था, ये सब कुछ नहीं है, निराकार ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, मेरे बाहर है, भीतर है, इस कल्पना में आनंद आता था, लेकिन समझ नहीं पड़ता था। जब कबीर साहब की वाणी मिली तो अपरोक्ष के तरफ मन आया। उपनिषदों में परोक्ष अपरोक्ष दोनों हैं, लेकिन उपनिषदों के भाष्य ऐसे हैं जो और उलझे हैं। एक वेदांती ने मुझसे कहा, अच्छे विद्वान हैं, भी जीवित हैं, उन्होंने कहा उपनिषद के जो भाष्य करते हैं मूल उपनिषद से भी अधिक गूढ़ कर देते हैं भाष्य को। आपने जो उपनिषद सौरभ लिखा है बहुत साफ है, यद्यपि मेरे विचार उनके विचार में अंतर है, वो जानते थे, लेकिन बहुत खुश थे उपनिषद सौरभ से। तो उपनिषद में अपरोक्ष ब्रह्म की बात है, लेकिन भाष्यकार इतने उलझाए हैं कि बोध होना बहुत मुश्किल है। अपरोक्ष ब्रह्म के सूत्र सर्वत्र हैं, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों तक में हैं। यथा निगूढ़ पुरुषम कुयोगिनः श्रीमद् भागवत में आया है, कुयोगिनः पुरुषम, जो योग नहीं करते हैं, अपरोक्ष की तरफ जिनकी गति नहीं है, वह अंदर में निगूढ़ आत्मा को नहीं समझते, बाहर खोजते रहते हैं। पुराणों में बीच बीच में हीरे मोती हैं। परोक्ष ब्रह्म की कल्पना जगत के लिए होती है,
और हर जगह प्रश्न आता है, ये जगत कैसे बना, किसने बनाया, जगत कैसे चल रहा है, पानी कौन बरसाता है, भूचाल कैसे आती है, छह ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, इस सारी सृष्टि की समग्रता कैसे गतिशील है, ये प्रश्न सदा से रहे हैं। और इस प्रश्न के समाधान में अपनी मत के अनुसार ऋषियों महर्षियों ने कहा है, उसी में परोक्ष ब्रह्म की खटपट आई है। ये दुनिया ब्रह्म ने बनाया, एको हम बहुत श्याम प्रजाए एकाकी नरमते, पहली बात तो है एकाकी नरमते। सृष्टि कहाँ से हुई, अब इसी को सोचना पड़ा, ब्रह्म ने बनाया है। एकाकी नरमते, अकेले में आनंद नहीं आता, इसलिए ब्रह्म ने एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक में बहुत प्रजा के रूप में फैल जाऊं, बस दुनिया बन गई। कुरान का ईश्वर कहा हो और हो गया, बाइबल का ईश्वर 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया, इसीलिए डॉक्टर मास्टर सब छुट्टी पाते हैं रविवार को, नहीं छुट्टी भी न पाते। सब अपने अपने ढंग से कल्पनाएं गढ़े, ये जगत बनाने वाला कौन है, एक ब्रह्म है, वो तो निष्काम है। ये जगत क्यों बनाया, लीला के लिए बनाया, लीलावत कैवल्यम, केवल लीला के लिए जगत को बनाया। सरदार भगत सिंह ने पूछा है, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, उन्होंने पूछा है, मैं दुनिया के समस्त ईश्वरवादियों से पूछता हूं जो सृष्टि रचना मानते हैं, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया तो दुखों से भरी है, ऐसे दुखों से भरी दुनिया बनाने वाला समझदार कैसे है, इसका समाधान करें, क्या करेंगे, ऋषि महर्षि नहीं कर पाए आज तक, आज के लोग बिचारे क्या करेंगे। तो ये दुनिया को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो परोक्ष ब्रह्म है, परोक्ष ब्रह्म जो हमारे मन बुद्धि से परे है, हम उसको कुछ जानते नहीं हैं, कहते हैं, अंदाजते हैं। इस परोक्ष ब्रह्म के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, और इसमें दीवाने रहने पर आनंद आता है थोड़ा, अभी बोध नहीं होगा, दुख नहीं दूर होगा, संतोष नहीं होगा, इसलिए ऋषियों ने अपरोक्ष ब्रह्म कहा। अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष, मैं हूं, स्वयं सत्ता, यह पूछने वाला ही ब्रह्म है, यही राम है। राम शब्द वेद में है, एक राम है असुर राम, बलवान राम, कोई राजा है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक राम है मार्गवे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। राम नाम के व्यक्ति यदा कदा पहले भी होते थे, लेकिन राम कोई उपासनिक तत्व के रूप में वेदों में, शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में कहीं नहीं माना है। राम की कोई महिमा नहीं है वेदों में, वैदिक साहित्य में, 6 शास्त्रों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र, 100 सूत्र, धर्म सूत्र, कहीं भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, वीर, महान गुणों से संपन्न, योग्यतम पुरुष हैं। आगे चल करके उसमें ये कहा गया कि वह चारों भाई विष्णु के अंशावतार हैं, लेकिन पूजनी कहीं नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो, राम की उपासना करो, कीर्तन करो, उनके नाम से पाप कटता, कहीं नहीं लिखा है, पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। जैसे परशुराम एक अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, सूकर अवतार है, तो ये अवतार बड़े उजागर नहीं है। राम कृष्ण अवतार हैं, ये उजागर हैं, लेकिन ये भी पूजनी नहीं। राम को पूजनी पूरी वाल्मीकि रामायण में पूजनी उपासनी कहीं नहीं कहा गया, लेकिन उनका चरित्र उद्दात वर्णन किया गया है।
उसके पश्चात बहुत रामायणें बनी अनेक भाषाओं में, और हर कवि राम कथा लिखा जो प्रबुद्ध था, और उसी में भक्ति भावना बढ़ी, बढ़ते 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 8वीं 9वीं शताब्दी में ईसा के आज से 1200 वर्ष पूर्व ज़्यादा भूमिका बनी, और आज से 1000 वर्ष पूर्व उनको परब्रह्म मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में तो खुल करके उनकी उपासना चली आज से 800 वर्ष पूर्व, और 14वीं शताब्दी में 13वीं 14वीं में अध्यात्म रामायण बनी, जिसके लेखक श्री राम शर्मा नाम के विद्वान थे, वेदांती थे, बिहार बंगाल के बीच के हुए थे, और उसमें पूर्ण रूप से श्री राम का अवतार कहा गया। फिर गोस्वामी जी ने मानस लिखा, इस प्रकार विस्तार होता गया। राम की उपासना आज से 1000 वर्ष पूर्व से, विधिवत 800 वर्ष पूर्व से, तब विवेकियों को खटका कि एक व्यक्ति को उपासना की केंद्र में रख करके ठीक नहीं है, तो पंडितों ने भी कहा। रमन्ते योगिनो यस्मन्नित राम, रमन्ते योगिन यस्मिन इति राम, योगी जिसमें रमते हैं वो राम है। योगी किसमें रमते हैं? आत्मा में, आत्मा राम है। पंडित सब पोगापंथी नहीं होते हैं, विचारक भी होते हैं, ये पंडित का ही वचन है। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी जिसमें रमण करते हैं आत्मा में वही राम है। कबीर साहब ने तो खुल करके कहा ही आपकी भाषा में, हृदय वसे ते ही राम न जाना। ये भी आप ध्यान दीजिए, भारतीय परंपरा के मूल में उपासना का केंद्र व्यक्ति नहीं है, आत्मा है। वेदों के ऋषि हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, लेकिन वो कोई हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। शास्त्रों के ऋषि हैं, उपनिषदों के ऋषि हैं, ये सब हमारे पूजनीय हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है कि इनको मानने न मानने से कल्याण कल्याण है। आत्मा की उपासना सदैव मान्य रही, लेकिन अवतारवाद आने से केंद्र में उपासना, उपासना के केंद्र में व्यक्ति आया। राम उपासक ने कहा, राम की उपासना के बिना कल्याण नहीं। कृष्ण उपासक ने कहा, कृष्ण उपासना बिना कल्याण नहीं। लेकिन वेद शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, आत्मा की उपासना, आत्मा उपासनी है, ये अपरोक्ष की तरफ निर्देश है। जब इंद्रियां शांत हो गईं, मन शांत हो गया, तो अपरोक्ष रहा। सारे शास्त्रों को आप हटा दें, आपका व्यक्तित्व शास्त्र है, आपका हृदय शास्त्र है। इंद्रियों के विषयों में रमते हैं, ये प्रत्यक्ष में रम रहे हैं, इंद्रियां शांत हो गईं, आंखें बंद, सब इंद्रियां शांत, लेकिन मन में रमते हैं। मन से कोई अवधारणा करके, किसी प्रकार का भगवान, किसी प्रकार का देवता मन से बनाकर उसमें रमते हैं, ये परोक्ष है। लेकिन जब मन शांत हो गया, वो भी खत्म हो गया। इंद्रियां शांत हुई तो विषय भूल गए, मन शांत हुआ तो मन की अवधारणाएं खत्म हो गई, तब क्या रहा? अपरोक्ष स्वयं। जहां इंद्रिय और मन के व्यापार खत्म हो जाते हैं, वहां अपरोक्ष स्थित होती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिचाना विचिष्ट तामाहु परमाम गतिम, ये उपनिषद का मंत्र है। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित स्थित शरीर में इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चान, मनसा सह
मन के सहित बुद्धिश्च और बुद्धि भी न विचेष्टत नहीं चंचल होते हैं, ताम उसे आव कहते हैं परमाम गति परम गति। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, ये परम गति है। यहां किसी की आराधना नहीं बताई गई, आत्मा का भी नाम नहीं लिया गया, आत्मा तो है ही। इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, परम गति है। असली राम भजन यही है, इंद्रिय मन को शांत कर दो। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदप चिंतित, ये गीता में कहा गया, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदप चिंतित, मन को आत्मा में स्थित कर दो और किंचन मात्र चिंतन न करो, कुछ भी न सोचो। ये तो आपको बताया जा रहा है यहाँ, दृष्टि योग स्वर योग इत्यादि करो पहले मन को ठहराने के लिए, लेकिन आखिर में बात क्या है, कुछ न सोचना, आत्मा अपने आप स्थित, कुछ न सोचना, ये अपरोक्ष दशा है। ये अपरोक्ष पद ही राम पद है, राम रूप में परम पुनीता, ये राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथी में कहा, जो कबीर पंथ के बहुत बड़े विद्वान और संत थे। राम रूप में परम पुनीता, राम भूमिका बासक युक्ता, राम भूमिका में कौन बसता है, जो युक्ता है, युक्त संतुलित, जिसका चित्त संतुलित है और राम भूमिका में बसता है, राम की जमीन में बसता है। राम की जमीन क्या है, आपकी चेतना, आपकी ज्ञान ज्योति, अंतर ज्योति, वही राम की भूमिका है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परम तत्व है। लेकिन अपने को झुठलाया बहुत गया, भक्ति भावना के जोश में इतना कह डाला गया, जीव तुच्छ है, जीव अल्पज्ञ, जीव तुच्छ है, अल्पज्ञ है, तो इसका कल्याण कैसे होगा। ये तुच्छ नहीं है, यही महान है। जीव न होता ईश्वर की कल्पना कौन करता, शास्त्र कौन बनाता, सारे वेद शास्त्र किसकी रचनाएं हैं, सारे ईश्वरों की अवधारणा किसने की है, सारे देवताओं का सृजन किसने किया है, सारे मंदिर मस्जिद चर्च किसने बनाए हैं, सारे ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया है, जीव ने किया है। जीव न होता ये सब कौन करता, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। ये जीव ही अपनी भूल से कहता है, अगर वो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ कहाँ, कभी ईश्वर आकर के कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, आप ही कल्पना करते हैं। अल्पज्ञ बहुज्ञ और सर्वज्ञ, अल्पज्ञ जो कम जाने, बहुज्ञ जो ज्यादा जाने, सर्वज्ञ जो सब कुछ जाने। तो अल्पज्ञ और बहुज्ञ तो होते हैं, सर्वज्ञ लाक्षणिक अर्थ ही में सर्वज्ञ का समाधान हो सकता है। जो कम जानता है अल्पज्ञ है, जो ज्यादा जानता है वो बहुज्ञ है, और ज्यादा जानने में भी कई श्रेणियां हो जाएंगी, कोई इतना ज्यादा जानता, कोई और ज्यादा जानता, कोई और ज्यादा जानता, लेकिन सर्वज्ञ सब कुछ जाने ऐसा कोई नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अपनी मूंछ के बाल नहीं जानते हैं कितने हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर का भेद नहीं जानते, अंदाज अंदाज करके दवाइयां करते हैं। सर्वज्ञ कौन है, सर्वज्ञ का अर्थ एक सीमा में है, जैसे कि एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है, तो जिस श्रेणी का वो मकान बनाता है उसमें सर्वज्ञ है। नींव कैसे डालनी चाहिए, दीवार कैसे बनानी चाहिए, छत कैसे डालनी चाहिए,
वो जानता है बड़ा मकान बनाना है तो उसमें उस नहीं बड़ा मिस्त्री चाहिए। कल्याण के लिए मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, छुटकारा कैसे होगा, इन रहस्यों को जान लेने से कल्याण के लिए वो सर्वज्ञ हो गया। तो सर्वज्ञ की जो परिभाषा होगी वो एक स्तर से होगी, लेकिन कोई योगी है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, कृतार्थ आत्मा है, तो जहाँ बैठा अंदर जानता है क्या क्या चीज़ है, यहाँ से 1000 फीट नीचे पत्थर पड़ा है कि सोना पड़ा है जानता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। महिमा में तो कहा गया, योग दर्शन में, विभूतिपाद में बहुत लंबा चौड़ा कहा गया है कि योगी सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ हो जाता है, आकाश में उड़ता है, भुनगा हो जाता है, हाथी हो जाता है, दूसरे के काया में प्रवेश कर जाता, सब झूठ, कुछ नहीं हो पाता। ये सब अनर्गल बातें हैं, अनर्गल बातें फैली थी योग के नाम पर, पतंजलि ने सूत्रबद्ध कर दिया, अब वो आर्ष वचन हो गया। यद्य पतंजलि ने खुद कहा कि ये सब जंजाल है, लेकिन जंजाल लगा तो दिए, इसलिए अपने भाष्य में मैंने हर जगह उसकी समीक्षा की, अच्छे अच्छे पंडित खुश हुए। यही प्रयाग के शिविरों में कल्पवास में एक पंडित थे, और प्रथम संस्करण निकला था, मेरे बुक स्टॉल से ले गए, पढ़े, पढ़ करके आए, हमारे साधुओं को बताए वहीं बांध पर जहाँ दुकान थी, कि महाराज इतनी साफ टीका आज तक मैंने नहीं देखी। महाराज जी से कह दो कि अन्य पांचों शास्त्रों का भी ऐसे साफ कर दे। वो पंडित था, खुश हुआ। एक अच्छे विद्वान जो संस्कृत जीवन भर पढ़ाए, वे जब पढ़े तो उन्होंने अपने साथी से कहा, ऐसे लेखकों की बड़ी जरूरत है। तो सब ऐसा नहीं है कि सब जड़ है, दिशा नहीं मिलती इसलिए समझ नहीं पाते, शास्त्र में लिखा है गलत कैसे होगा, कोई साहस से कहे कि नहीं गलत है तो हिम्मत आए, अपनी हिम्मत नहीं आती है। धर्म के नाम पर बहुत ऐसी बातें हैं जो अनर्गल हैं, और वो अनर्गल बातें धर्म को और चौपट कर रही। सर्वज्ञ जिस दृष्टि से हम मानना चाहते वैसा सर्वज्ञ कोई नहीं, लेकिन अपने काम की बात जान जाए बस बहुत हो गया। कल्याण चाहिए, कल्याण के लिए आदमी सर्वज्ञ हो सकता है, अल्पज्ञ बहुज्ञ हैं। सर्वज्ञ की कल्पना है कि दुनिया के कण कण को जानने वाला कोई है, ज्ञान का परम निधान आप खुद हैं, ये मनुष्य जीव के अलावा ज्ञान का निधान कहीं नहीं है। सारे शास्त्र इसी से निर्मित हैं, सारे ज्ञान विज्ञान इसी के विकास हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। आपकी महानता का अनुभव आपको क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया के कूड़े कचड़े में मन रमा है, ये प्रत्यक्ष में और परोक्ष में डूबा है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष से उठे तब अपरोक्ष में स्थित होकर वो अमृतत्व का अनुभव होगा। जब मैंने उस बूढ़े से कहा कि तीन पाद अमृत में स्थित है और एक पाद में जगत है ब्रह्म के, तीन पाद जो अमृत में स्थित हो कहीं नहीं है, केवल कागज में है, लिखा है बस, क्योंकि ब्रह्म को जगत बनाना है, जगत बना दिया एक एक पैर में, एक चौथाई में जगत बना के रख दिया और तीन चौथाई में वो अमृत रूप में लिख दिया, कुछ समाधान करना था कर दिया, बस हो गया, समाधान हो चाहे ना हो, जैसा समझ पाए बेचारे कह दिए और क्या करें। अब इस प्रकार सोचना भी बड़ा मुश्किल है, वेद का वचन है तुम ऐसा कहते हो, वो तो सर्वज्ञ का है अथवा ईश्वर का वचन है, बस सब उलझे। सारी किताबें मनुष्य की बनाई हैं, जब तक ये न सोचोगे सही निर्णय नहीं होगा। आज से 500 वर्ष पूर्व साहेब ने डंके के चोट पर कहा, काशी में रहकर ललकारा,
ये कितना बड़ा उनका साहस था। डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कमजोर स्नायु का आदमी ये काम नहीं कर सकता, सारे जंजाल को ना ही कर देना, ये कबीर का बल था, कबीर का साहस था। साधारण नस नाड़ी का आदमी नहीं कर पाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो हार्ट फेल हो जाएगा इतना तो उन्होंने नहीं लिखा है, यही लिखा है कि सामान्य स्नायु का आदमी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कबीर ने ना ही कर दिया सारे जंजाल को और इतना साहस दिया, हम लोगों के लिए बढ़िया रास्ता बना दिया। सारे ग्रंथ आदरणीय हैं दुनिया के, वेद के साथ कुरान बाइबिल सब शास्त्र आदरणीय हैं, सारी परंपराएं आदरणीय हैं, सारे महापुरुष आदरणीय हैं, राम कृष्ण के साथ मोहम्मद ईसा भी आदरणीय हैं, सभी आदरणीय हैं, लेकिन विवेक का निरादर करके नहीं। विवेक परम आदरणीय है। यहां तक कहा गया है गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार, गुरु शिष्य के बीच में भी शब्द ही निर्वार करेगा, यानी निर्णय शब्द। गुरुमुख वाणी कौन वाणी है? निर्णय हुई, निर्णय ही गुरुमुख वाणी है। गुरु के मुख से निकलने के कारण गुरुमुख वाणी नहीं हो सकती है। गुरु ने कहीं उल्टा पलटा कह दिया तो गुरुमुख वाणी कैसे हो गई? निर्णय है वो गुरुमुख वाणी है। बच्चे के मुख से निकले दो दो चार गुरुमुख वाणी, बूढ़े के मुख से निकले दो दो पांच गुरुमुख वाणी नहीं है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी है। निर्णय स्वतंत्र विवेक से होगा, कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान, विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान, इसके लिए स्वतंत्र प्रज्ञ होना चाहिए। कबीर साहब ने बहुत साफ कर दिया है जंगल काट करके, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जयमन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अय राजा राम अय मनुष्य, मनुष्य को साहेब राजा राम कहते हैं। एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ गया है, जो उस झगड़ा का निर्वार कर दे वो निर्वाण शांत पाता है। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, ब्रह्म बड़ा कहते हैं लोग। तो साहेब पूछते हैं, ब्रह्म की कल्पना जहाँ खड़ी हुई वो बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है? ब्रह्म की कल्पना किसने की? मनुष्य ने। तो मनुष्य बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है? आप पढ़े, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया। तो उसने उत्तर दिया कि भाई देखो, वेद में लिखा है ब्रह्म बड़ा है। तो साहब ने कहा, वेद बड़ा कि जिन उपजाया? वेद बड़ा है कि वेद का रचयिता? वेद का रचयिता मनुष्य। तो उसने कहा, मैं वेद को अनादि मानता हूँ। तो साहब ने कहा, ई मन बड़ा कि जय मन माना? मन बड़ा होता है कि मन को मानने वाला? मन को मानने वाला मनुष्य वो बड़ा होता है। तो कहे, भाई देखो, आप तो पीछे पड़ गए हमारे कबीर साहब, मैं तो राम को ईश्वर को अलग मानता हूँ। तो साहब ने कहा, राम बड़ा कि राम ही जाना? राम बड़ा है कि राम को जानने वाला बड़ा है? अगर तुमसे अलग राम है तो उसकी तुम कल्पना कर रहे हो, तो अपने तरफ क्यों नहीं लौटते हो? ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। तो सामान्य लोगों की तरफ भी दृष्टि की साहेब ने, कि ये संसारी जीव भटकते हैं, गया प्रयाग अयोध्या पता नहीं कहाँ कहाँ, भगवान को पाने के लिए। तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ का दास बड़ा है? तीर्थ का दास बड़ा है जिसने तीर्थ का निर्माण किया, वो न जाए वहाँ तो सुना सना हो जाए। कुल थोड़ी पंक्तियों में मनुष्य की विशेषता पर साहब जोर देते हैं। इतना निर्भय उस समय कहे, आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं, आप अमृत हैं, अपनी गरिमा को समझें। और ये सब के लिए प्राचीन शास्त्र में बल है। उपनिषद यही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म
ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है, अपने को पहचाने, यही राम है, अंतरात्मा ही राम है, अंतरात्मा ही ब्रह्म है, आपका स्वरूप है वह शुद्ध चेतन। ये बाहर वाला तो दुनिया का है, भीतर वाला तेरा है, ये शरीर तो नकली है, इस पिजड़े में जो बैठा शुद्ध चेतन है वो आपका स्वरूप है, वो अमृत है। लेकिन उस अमृतत्व का अनुभव होगा जब अहंकार कामना का त्याग करे। हम क्यों जलते हैं अहंकार कामना में? एक तो अहंकार कामना अविद्या बस पहले से, और दूसरे जीवन यात्रा में जो प्राणी पदार्थ पद परिस्थिति इत्यादि जुड़ते हैं उनमें अहंकार कामना होने लगती है, हम भटक जाते हैं। जो सदैव निगरानी रखे अपने मन की, जो जागता रहे, समझे सारा संबंध झूठा है, वो जागता रहे, वो भटकेगा नहीं। यहाँ आप लोगों ने मुझे ऊंचे गद्दी पर बैठा दिया है, मुझे ये नहीं मानना चाहिए कि गद्दी पर बैठने से मैं बड़ा हो गया हूँ और इस गद्दी में कोई फायदा है। ये गद्दी तो क्षणिक है, उतर जाना पड़ेगा। आप लोग यहाँ चले जाएं, मैं बैठा रहूँ तो लोग कहें कि दिमाग खराब हो गया, अब मुझे गद्दी मिली कि मैं क्यों उतरूं, बैठे रहूं 24 घंटा रात दिन, तो दिमाग खराब ही तो माना जाएगा। कोई संजोग कहाँ स्थिर है? ये संजोग में जो अहंकार कामना हो जाते हैं ये जलाते हैं जीव को। सतत जागरूक रहो, जो मिला है रहेगा नहीं, किसी का कुछ रहने वाला नहीं, लेकिन आप स्वयं सब जगह कहीं भी रहें रहेंगे, जो मिलेगा छूटेगा, लेकिन आप अपने से नहीं छूटेंगे। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं हो सकता है, जो आपका परम प्रीतम है वो आपका स्वरूप है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, जो पुत्र से मोह करता है वो आत्मा से मिलने में पर्दा करता है। कहीं भी मोह करते हो तो आत्मा से मिलने में पर्दा करते हो, सबका मोह मिटने पर तब आत्मा में विश्राम मिलता है। आत्मा आपका अमृत है, आप स्वयं अमृत है, सीधे कहें। अहंकार कामना होने से अमृतत्व का अनुभव नहीं होता। अहंकार कामना छोड़ करके देखिए, एक घंटा बैठ जाइए और सोचिए बराबर, मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं, विनम्र बन जाइए एकदम। बाल बच्चे या घर द्वार या साधु महात्मा है तो मठ मंदिर कहीं भी है, रोग हमारे और आप में वही है। अहंकार कामना का रोग गृहस्थों में है, हमारे में भी है, उसी को काटने के लिए इसमें आए हैं। वेश धरने से हम अहंकार कामना से मुक्त हो गए ऐसी बात नहीं, वो तो अंदर से समझना पड़ेगा कितना मुक्त हुए। संबंध में संग दोष में अहंकार कामना जगने की संभावना रहती, इसको रात दिन काटें। एक घंटा 10 मिनट आप कभी अनुभव करेंगे जब पूरा निर्माण निष्काम हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, अमृत आएंगे, इसी को बढ़ाना है। अमृत कहाँ है? आपका स्वरूप अमृत है, आप खुद अमृत हैं। अहंकार कामना त्याग कर उसका अनुभव होगा।